तुम पर इतने माहिर हो, तुम हमेशा ठीक जाते हो। आ बहुत थक गए, बोला थोड़ा पानी तो पिलाना। ये लो राम, खेल कूद बहुत मस्ती तो बहुत हो गई, लेकिन अब करे भी क्या करे। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। शिवा, वो पूछ रहे कि तुम तीनों ने गुरुकुल से विद्या तो प्राप्त कर ली, लेकिन उसका अब आगे क्या। अच्छा, मैं अभी समझा। हमने जो विद्या अर्जित की है उससे इस गांव में गुजारा करना मुश्किल लग रहा है। क्यों ना हमारे शिक्षा का उपयोग किसी परीक्षा में जाकर किया जाए। तुम तीनों जा सकते हो, लेकिन मैं तो कोई विद्या प्राप्त नहीं की। कोई बात नहीं हरी, तुम्हारे पास धन नहीं था विद्या प्राप्त करने के लिए, लेकिन तुम हमारे साथ चलो, हम शहर जाके कोई काम ढूंढेंगे। मुझे विश्वास था कि तुम सब मुझे ले चलोगे। मेरा बचपन में दोस्त जो है, माता पिता ने अनुमति तो दे ही दी है, तो क्यों ना शहर निकले। हाँ हाँ, चलो निकलते हैं। Thank you.
कीजिए दादाजी, शिक्षा के अहंकार से हमारी मित्रता दूषित हो गई है। माँ ने सिखाया सिर्फ अपनों की सहायता करना छोटी सोच होती है। हाँ, मेरे पिताजी कहते हैं कि समाज के लिए परोपकारी होना चाहिए। सीख संस्कार भूल गए, एक कमजोर को मैंने कहा बेटे आगे बढ़ाना ही हमारा कर्तव्य है। माफ कीजिए दादाजी, हम शपथ लेते हैं हम भूलेंगे नहीं, अपनी सीख और संस्कार समाज में करेंगे मदद और परोपकार। अरे वो देखो हरियाणा आ रहा है। अरे हरी तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ गाइड है, लेकिन तुम अब अभी भी यही हो। हरी हमें माफ करना, हम तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहे थे। हरी अब तुम भी हमारे साथ चलो इस शहर, हम सब वहाँ काम करेंगे और सबकी मदद करेंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे और सबको साथ में लेके आगे बढ़ेंगे।